गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कल जाके पढ़ा था, जो पढ़ाया था मैंने। कोई कंप्लेन, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, कोई डाउट? किसी को नहीं समझ में आ गया था? हाँ, क्योंकि कल हमने कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं था, जो पढ़ा था वो समझ में तो आना ही था। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं मनोविज्ञान में। जैसे कल हमने पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक सी चीज पढ़ी थी कि मनोविज्ञान कहाँ से आया और किन शब्दों से मिलकर के बना है, यानी कि उसका जो शाब्दिक अर्थ है और कहाँ से जो है वो लिया गया है, हमने कल वो देखा था। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, शाब्दिक अर्थ जो मनोविज्ञान का है, किन आधारों पर उसको मनोविज्ञान कहा गया, तो आज हम लोग वो देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? शाब्दिक अर्थों के आधार पर मनोविज्ञान की अवस्थाएं, ठीक है, जो समय समय पर मनोविज्ञान, जैसा कि कल आप लोगों को मैंने बताया था, इसका अतीत अगर हम लोग खोजने जाएं, हम देखना चाहें कि ये कितना प्राचीन है, तो जो साक्ष्य हमारे पास आते हैं या जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी के जो है एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान हमारे पास चलता आ रहा है। तो शाखा के रूप में ये जो परिभाषित किया गया कि मनोविज्ञान दर्शन की एक शाखा है, ये जो परिभाषित किया गया ये हमें इतिहास के अंदर मिलता है। इतिहास के अंदर जब मिलता है तो विभिन्न प्रकार के जो है हम लोगों के आगे जो है बहुत सारे कथन आते हैं, बहुत सारे चिंतक आते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक रूप है, जो कथन आते हैं, चिंतन आता है, विभिन्न जो है संकल्पनाएं आती हैं, कुछ अभिव्यक्तियां आती हैं, इन सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी कि इतिहास को हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन जो अतीत है, उस अतीत को अगर हम खोजने जाएं, तो अतीत जो है बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि साक्ष्य मौजूद नहीं थे, लेकिन तब भी मानव है, मैंने कल भी आपको बोला था, मानव है, उसके अंदर मन है, उसके अंदर आत्मा है, तो मनोविज्ञान जो है वो उसका उसी समय से आवश्यकताओं के अनुरूप जो है वो आगे क्रियाशील हुआ। अब कुछ विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य रखे गए थे, कुछ अवस्थाएं जो है मनोविज्ञान की बताई गई, जो हमें ये सिखाती हैं कि किन किन अवस्थाओं में मनोविज्ञान को कौन कौन से टर्म्स या कौन कौन से नाम या कौन कौन से उद्देश्यों के लिए जाना जाने लगा। तो अगर हम ऐसी अवस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए चार अवस्थाएं आती हैं मनोविज्ञान में। अगर हम जाते हैं तो हमारे पास चार अवस्थाएं आती हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया? अगर हम लोग अवस्थाओं के आधार पे अगर मनोविज्ञान को बांटने की कोशिश करें तो चार प्रकार की अवस्थाएं हमारे पास, हमारे समक्ष आएंगी। आप लोग इसको बिल्कुल जिस टेक्निक से मैं पढ़ा रही हूँ उस टेक्निक से ही आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब हम अवस्थाओं के अनुरूप चलते हैं। हमारी प्रथम अवस्था ये कब थी? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, प्रथम अवस्था हमारी कब थी? 16वीं शताब्दी में। इस शताब्दी की खासियत या मनोविज्ञान का इस शताब्दी में रोल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, मनोविज्ञान विषय में अगर हम घुसेंगे तो बहुत ही मतलब डेप्थ नॉलेज अपने पास लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमें अपने
एग्जाम के हिसाब से मनोविज्ञान केवल बच्चों को समझने के हिसाब से पढ़ना है, तो हम एक विषय के रूप में ना पढ़ के उस विषय के एक कोरस्पॉन्डेंट सब्जेक्ट के रूप में, एक टॉपिक के रूप में, एक सेक्शन के रूप में, एक यूनिट के रूप में हम इसको एक इकाई के रूप में पढ़ रहे हैं। तो हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उन तथ्यों पे जाने का प्रयास करेंगे। अब जो 16वीं शताब्दी थी ये मनोविज्ञान की अगर हम लोग अवस्थाओं के अनुसार जाएं तो प्रथम अवस्था थी। इस अवस्था के अंदर कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हमारे सामने आए, कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का नाम हमारे पास आता है, जैसे प्लेटो, अरस्तु और रेने डेकार्ट। ठीक है, हम तीन नामों को 16वीं शताब्दी के अंदर महत्वपूर्ण रूप से हमारे इस विषय के अंदर जो है प्रयोग में लेते हैं। क्यों लेते हैं? अगर हम इन तीनों को लेकर के चलें तो हमारी जो 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी में अगर हम लोग देखें तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं अर्थात प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मनोविज्ञान में यूज ऑफ नेचर, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मनोविज्ञान में यूज ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की भूमिका या प्रकृति की उपयोगिता का वर्णन किया। कैसे किया? क्योंकि ये बहुत अच्छे दार्शनिक थे, फिलॉसफी इनको बहुत अच्छी आती थी। दार्शनिक होने के साथ साथ इन्होंने दर्शन की कुछ अवधारणाएं जो है वो प्रस्तुत की, जिसका माध्यम इन्होंने क्या रखा? प्रकृति को रखा। रेने पे अब जब हम जाते हैं तो रेने ने ये कहा कि ज्ञान के लिए बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान के लिए क्या है? बुद्धि आवश्यक है। कोई भी ज्ञान अगर हमारे पास है और उस ज्ञान में यानी कि उस नॉलेज में अगर हमारा माइंड सेट अगर परिपूर्ण नहीं है, मेंटल स्टेटस हमारा सही नहीं है, तो उस ज्ञान को जो है आंकने का जो है इन्होंने विषय यहाँ पे प्रस्तुत किया। लेकिन जब हम इन तीनों का ओवरऑल अगर हम इनके स्टडीज देखते हैं और इनकी मान्यताओं के ऊपर जाते हैं, तो इन तीनों ने सामूहिक रूप से हमारे सामने एक निष्कर्ष रखा और वो निष्कर्ष, वो मान्यता थी आत्मा का ज्ञान। कहीं कहीं पे आपको आत्मा का विज्ञान शब्द भी मिलेगा। दोनों ही करेक्ट हैं। 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु और रेने, इन तीनों ने जो अपनी परिकल्पनाएं दी, अपने जो तथ्य दिए, अपने जो वक्तव्य दिए, उन सब से हमारे सामने एक निचोड़ आया कि मनोविज्ञान क्या है। तो लास्ट में एक डेफिनेशन दिया गया 16वीं शताब्दी का कि मनोविज्ञान और कुछ भी नहीं है, वो आत्मा का ही ज्ञान या विज्ञान है। ठीक है, ये 16वीं शताब्दी का आपको समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? हम आगे और इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं द्वितीय अवस्था पे। द्वितीय अवस्था हमारी आती है 17वीं शताब्दी में। द्वितीय अवस्था हमारी आती है 17वीं शताब्दी में। अब इस 17वीं शताब्दी में हम कुछ मनोवैज्ञानिकों को लेने का प्रयास अगर करें तो 17वीं शताब्दी में जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनमें हमारे पास जो नाम आता है, हमारे कोर्स के हिसाब से जो नाम आता है, वो नाम आता है पित्रो पोम्पोनाजी का। ये इटली के एक महान मनोवैज्ञानिक थे, इटली से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का ज्ञान कहा। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जब हम आते हैं तो हमारे सामने हमारे इस विषय के अनुरूप, हमारी आवश्यकता के अनुरूप
एक ही जो है मनोवैज्ञानिक हमारे को नजर आते हैं जो हमारे लिए, हमारे इस विषय के लिए जो है वो सार्थक होते हैं। पित्रो पोम्पोनाजी इटली से बिलोंग करते थे। इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था जो है हमारी 19वीं शताब्दी को माना जाता है। कौन सी शताब्दी को माना जाता है? इस अवस्था को जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके 19वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिकों के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से उठ के आते हैं। अगर अवधारणाओं पे आता है तो भी 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों के कहीं ज्यादा आते हैं। अगर हम देखें कि कथन या वक्तव्यों पे आता है तो कथन और वक्तव्यों पे भी जो है इन 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों पे ही अधिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर हम इनमें आते हैं तो इस समय पे हमारे पास कुछ मनोवैज्ञानिक थे जैसे विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स कैटल, जेम्स सली और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन विशेष रूप से ये चार नाम जो है वो आते हैं क्योंकि इन चार नामों के जो है मैंने देखे हैं क्वेश्चंस वगैरह जो है वो हमारे सामने आए हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी के ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? चेतना का ज्ञान कहा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो मनोवैज्ञानिक थे, मनोविज्ञान की जो अवस्थाएं डिफाइन की गई हैं उन अवस्थाओं में 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का ज्ञान कह करके संबोधित किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। 20वीं शताब्दी में हम सॉरी चतुर्थ अवस्था में हम आते हैं। चतुर्थ अवस्था हमारी सॉरी बीसवीं शताब्दी का प्रारंभ। ठीक है, जो चतुर्थ अवस्था हमारी है वो कौन सी है? वो हमारी 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग फेज है उस फेज की अवस्था है जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो है वो मनोवैज्ञानिक आए जैसे वॉटसन, स्कीनर, अपने पास वॉटसन आए, स्कीनर आए, वुडवर्थ आए, मैकडूलर आए, वुडवर्थ, मैकडूलर आए और भी बहुत सारे। अगर मैं 20वीं सदी में जाऊं तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मतलब बहुत सारे हैं। अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कितने सारों को करेंगे। सिगमंड भी थे हमारे पास, सिगमंड, बहुत सारे लोग थे। इन लोगों ने मिल करके मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान कहा। ठीक है, जो 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एक रूपता दिखाई और एक साथ अपनी सहमति दिखाई कि जो मनोविज्ञान है वो और कुछ भी नहीं है बल्कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वह व्यवहार का ज्ञान ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम चलते हैं, हमारे सामने ये चार अवस्थाएं आईं। इन चारों अवस्थाओं को हमने अलग-अलग तरीके से देखा। पहली अवस्था थी हमारी 16वीं शताब्दी में जिसमें तीन मनोवैज्ञानिकों का नाम मुख्यतः जो है वो हाइलाइटेड होता है, प्लेटो, अरस्तु और रेने। इन तीनों को अगर हम लेकर के चले उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा?
आत्मा का ज्ञान या विज्ञान। अब इन्होंने जो आत्मा का ज्ञान या आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा, तो आत्मा जो है जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, दूसरे रिसर्चर्स जो है जब इस पे रिसर्च करने लगे या दूसरे मनोवैज्ञानिक जब इन तथ्यों के तह पे जाने लगे या इनके ऊपर खोज करने लगे, तो ये पता चला कि आत्मा को तो हम देख ही नहीं सकते। वो कब हंस रही है, कब रो रही है, कब दिमाग में किसी को मारने की सोच रही है, कब जो है वो किसी के बैग से पेंसिल चुराने की सोच रही है, मतलब आत्मा क्या करना चाह रही है, आत्मा कितनी बड़ी है, कितने किलो की है, कितने ग्राम में है, कैसी है, क्या है, अगर हम आत्मा को एक्सप्लेन करना चाहें तो आत्मा क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब उसका स्थायित्व नहीं दिया दिखा, तो ये जो हमारे सामने एक डेफिनेशन जो उन्होंने दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान या विज्ञान है, ये डेफिनेशन या ये परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा अमान्य हो गई। ठीक है, क्यों हो गई, क्योंकि भैया आत्मा दुल्हन है, आत्मा क्यूट सा बच्चा है, क्या है अपने को नहीं पता है। चलिए सेकेंड फेज में आते हैं। 17वीं शताब्दी में पित्रो पोम्पोनाजी आए और उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का ज्ञान कहा। जब इसके ऊपर खोजबीन जारी की गई, जब इस पे जो है फोकस बनाया गया कि मन और मस्तिष्क का ज्ञान मनोविज्ञान है, तो अगेन जिस तरीके से हम आत्मा को नहीं समझ पाते हैं, हम मन को नहीं समझ पाते, उसी तरीके से हम मन को भी नहीं समझ पाते हैं, ना ही पूरी तरीके से उसको देख पाते हैं, ना उसको हम कोई ऑर्डर दे पाते हैं, ना ही उसके अनुसार, उसके कमांड के अनुसार हम चल सकते हैं। जिसको वो कमांड दे रहा है वो भले उस तरीके का काम करे, लेकिन हम उसके अनुसार इन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो ये परिभाषा थी ये भी क्या हुई, अमान्य हो गई। परिभाषा अमान्य हो गई। चलिए, ये परिभाषा जब अमान्य हो गई, तो 19वीं शताब्दी में हमारे सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे थिंकर्स, साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इस पे अध्ययन किया मनोविज्ञान को। उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान चेतना, यानी कि जब से हम महसूस करते हैं, जिस समय पे हम चेतते हैं या जिस समय पे हम रियलाइज करते हैं, उसका ज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। लेकिन अगेन अगेन चेतना को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। चेतना आपके अंदर कब आई, कितनी तेजी से आई थी, कितना धीरे धीरे आ रही है, क्या आप इसको आंक सकते हैं, कितने किलो चेतना आपके पास आई, कितने किलोमीटर से आई, किस समय पे चली थी और किस समय पे आई। तो हम इसकी अगर तह में जाएं, इसको भी खोजने का प्रयास करें, तो हम इसको खोज नहीं पाएंगे, हम इसको देख नहीं पाएंगे। और आपको पता है, जो चीजें देखी नहीं जा सकती, जो चीजें महसूस की जाती हैं, जो चीजें केवल आप अपने जहन में ले सकते हैं, उसको केवल फील कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। कई चीजें ऐसी होती है ना, आपके रूटीन लाइफ में भी होती होंगी, व्यवहारिक जिंदगी में भी बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, बहुत खुशी देते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि आप कितने खुश हो, तो आप केवल एक ही शब्द बोलते हो, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। लेकिन उस खुशी को क्या आप जाहिर कर सकते हैं, क्या आप कह सकते हो जितने में सृष्टि है मैं उतना खुश हूँ, जितना बड़ा ये कमरा है मैं उतना खुश हूँ, जितना तुम्हारे घर में फूल है मैं उतना खुश हूँ। कभी कोई दुखी होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, अगर वो अपसेट है, तो जब भी हम कभी पूछते हैं उससे कि क्या हो गया भाई, तो मैं दुखी हूँ, क्यों दुखी हो, कारण बता देता है। लेकिन कारण बताने के बाद, भाई आप दुखी हो, कितने दुखी हो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि कितने दुखी हो, तो आप कितना बताएंगे, कितना कह सकते हैं।
बहुत दुखी हूँ, बहुत बहुत दुखी हूँ। अरे यार समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं कितना दुखी हूँ। तो अगेन उस दुख को जो है वो आपको किलो में तोल करके नहीं बता सकता कि कितने किलो का दुख उसके पास है। तो जब हम उसका आकलन नहीं कर सकते, आकलन करके जब हम उसका परीक्षण नहीं कर सकते, हम उसको नहीं समझ सकते, तो यहाँ पे भी ये जो 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस परिकल्पना को या इस डेफिनेशन को उजागर करने का प्रयास किया था कि मनोविज्ञान चेतना का ज्ञान है, यहाँ पे क्या हो गई ये परिभाषा भी क्या हो गई, अमान्य हो गई। अब 20वीं शताब्दी में हम आए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए, जो अर्ली स्टेज ऑफ 20th सेंचुरी था हमारा, उस समय पे अगर मैं देखो, देखो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपके जो कोर्स में जितने मनोवैज्ञानिक आएंगे, जिन्होंने विभिन्न जगहों पे अपने अध्ययन दिए हैं, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न मतों को आपके लिए प्रस्तुत किया है और आपके ऊपर ये चीजें मतलब डाला है कि लो भैया हमको पढ़ो, तो वो जो पढ़ने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, वो हमारे इन दो अवस्थाओं के बीच में से मैक्सिमम यानी कि मेजोरिटी में आते हैं। ठीक है, अधिकतर मनोवैज्ञानिक हमारे 19वीं और 20वीं शताब्दी में आते हैं। तो चेतना तक जो है ये वैज्ञानिक पहुंच चुके थे। इन वैज्ञानिकों के जो कथन थे, जो रिसर्च थे या जो कार्य थे, उन कार्यों के का अवलोकन जो है ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मनोवैज्ञानिकों ने करना चालू कर दिया। और इन मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया कि मनुष्य के अंदर चाहे उसकी आत्मा कुछ भी कह रही है, उसका मन चाहे कोई सा भी काम कर रहा है, वो चाहे चेतन की अवस्था में है या नहीं है, इन सारे क्रियाकलापों को अगर हमें अपने नजर में लेना है, अगर हमें समझना है, तो इन सब के लिए हमें उसके व्यवहार को समझना होगा, हमें उसके बिहेवियर का आकलन करना होगा। अगर हम उसके व्यवहार को समझते हैं, अगर हम बिहेवियर को समझते हैं, तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसकी आत्मा कैसी है। मतलब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्रियाशील है, अक्रिय है, कैसा है, किस लेवल का है, कहाँ तक सोचता है, किस चीज में दुखी होता है, किस में उसको खुशी मिलती है, ये सब चीजें अगर हम किसी के भी अंदर देखना चाहें, तो देखने का माध्यम या जरिया या सोर्स क्या होगा, उसका अपना बिहेवियर या व्यवहार होगा। तो व्यवहार का ज्ञान जो 20वीं सदी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को कहा, उसी समय से आज तक जो अभी आधुनिकतम समय में प्रेजेंटली जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसी डेफिनेशन के ऊपर या इसी जो हमारा जो शाब्दिक अर्थ है वो इसी के ऊपर अपने कार्यों को कर रहे हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक एक व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार का ज्ञान है, ये परिभाषा हमारी क्या हुई, ये सार्थक परिभाषा है और अभी भी अगर हम लोग देखें तो इसी परिभाषा के रूप में आधुनिकतम समय में मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स YouTube पे या लाइव कोर्स को परचेज करके ये कोर्स देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर एक एक शब्द को लिखने अगर हम लोग चले, तो ये शब्द आप अगर अलग अलग लिखेंगे तो लिखने में आपको याद करने में बहुत ही कठिनाई आएगी, मुझे जहां तक लगता है। अगर आप ये ग्राफ अपनी कॉपी में बना लेते हैं तो पूरे मनोविज्ञान की जो अवस्थाएं हैं वो आपके सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए।
चलो कॉपी में आप लोगों ने उतार लिया। उतारने के बाद अब हम देखेंगे ये जो मनोविज्ञान है, हमने अवस्थाएं देख ली, उनकी शताब्दियों को देख लिया कि प्रारंभ से लेकर के, यानी कि जहां से इतिहास शुरू हुआ है मनोविज्ञान का, और अभी प्रेजेंटली आधुनिकतम समय तक मनोविज्ञान अपना अभी क्या है। लेकिन इन जगहों में या इन अवस्थाओं में हमने विभिन्न प्रकार के या अलग-अलग बहुत सारे हमने मनोवैज्ञानिकों को देखा। इन मनोवैज्ञानिकों से आपके पास कुछ प्रश्न आते हैं तो मनोवैज्ञानिकों के विषय में भी आपको थोड़ा सा जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है उनके बारे में, जिनसे आपके प्रश्न बन सकते हैं, हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं ये मिटा रही हूँ, सबका हो गया था आई थिंक। अगर हम उन मनोवैज्ञानिकों को जानने का प्रयास करते हैं, हम बिल्कुल पॉइंट वाइज इनको लेके चलेंगे, जिससे आपको समझ में भी अच्छे से आए, और जब एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, यानी कि सीधा, आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे आते हैं, वो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। और साइकोलॉजी ऐसा विषय है, मनोविज्ञान ऐसा विषय है, जिसमें अगर मैं थिंकर्स के ऊपर या साइकोलॉजिस्ट के ऊपर जाऊं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। जब हम सब्जेक्ट के कंटेंट में जाते हैं, जब हम उसके कोर में जाने का प्रयास करते हैं, तब हमारे कंसेप्ट्स जो है वो आगे आते हैं। लेकिन अभी हमारे को जो हमारे लेवल पे हमारा जो सिलेबस है, जिस हिसाब से हमें पढ़ना है, वो हमें ये कहता है कि हमें मनोविज्ञान को एक बेसिक रूप में पढ़ना है। मनोविज्ञान विषय को ना पढ़ के हमें शिक्षा और बाल मनोविज्ञान की तरफ ज्यादा फोकस करना है। तो हम बेसिक, केवल हम मनोविज्ञान को इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें शिक्षा में कैसे उसको प्रयोग में लेना है और बाल विकास में कैसे उसको प्रयोग में लेना है, हमें इतना पता होना चाहिए। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में जो है, अगर हम लोग देखना चाहें तो हम उनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें, हम अरस्तु के बारे में लिखें, तो इनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु कौन है? मनोविज्ञान के जनक। जबकि मैंने आपको क्या बताया था, मनोविज्ञान की अगर मैं जननी पूछूं, मनोविज्ञान की जननी कौन है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये है दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आप अपनी कॉपी में लिखिए, पॉइंट दर पॉइंट हम लिखते चलेंगे। नंबर वन लिखिए, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो तथा अरस्तु ने, प्लेटो तथा अरस्तु ने मनोविज्ञान में प्लेटो तथा अरस्तु ने मनोविज्ञान में रोल ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति की भूमिका, रोल ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति की भूमिका की फिलॉसफी अर्थात दर्शन को
समझाने का प्रयास किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? प्लेटो तथा अरस्तु ने रोल ऑफ नेचर यानी प्रकृति की भूमिका की फिलॉसफी यानी कि दर्शन को समझाने का प्रयास किया। थर्ड पॉइंट आइए, रेने डेकार्ट ने रेने डेकार्ट ने मनुष्य की तुलना पशु से की और कहा पशु एक मशीन की तरह है जबकि जबकि मनुष्य में आत्मा निहित है। ठीक है, रेने डिकार्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने मनुष्य की तुलना किससे की? पशु से की। और उनका ये मत था कि जो पशु है वो एक मशीन की तरह है, यानी कि वो केवल कमांड को सुनता है, वो अपने को जाहिर नहीं करता है, जबकि मनुष्य के अंदर उसकी अपनी आत्मा है और आत्मा की आवाज को सुन करके वो अपने कार्यों में अपनी क्रियाशीलता को दिखाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट, विलियम वुंड विलियम वुंड ने जर्मनी में विलियम वुंड ने जर्मनी में सन 1889 यानी कि 1879 सन 1889 में विलियम वुंड ने जर्मनी में सन 1889 में, अच्छा जर्मनी में भी कहाँ? जर्मनी में भी कहाँ? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में सन 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम विलियम वुंड को लें तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोग सॉरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो स्थापित किया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंट समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जो है ये चलता है। इसका अगर हम लोग नाम लें तो आधुनिकतम समय में
यह कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये किसके बारे में अभी हमने पढ़ा? विलियम वुंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वॉटसन। वॉटसन के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं, वॉटसन कौन है और वॉटसन ने क्या कहा। वॉटसन को अगर हमने हम देखें तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, तुम मुझे, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, कोई भी बालक, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। ठीक है, कई बार ये प्रश्न जो है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछा गया है कि यह कथन किसका है। कथन में आया कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वैसा बना सकता हूं जैसा कि मैं बनाना चाहता हूं। तो अगर हम वॉटसन को देखें, वॉटसन जो है वो 20वीं शताब्दी में जो है, जो 20वीं शताब्दी का जो हमने मनोविज्ञान का एक डेफिनेशन देखा या मनोविज्ञान क्या है, उसमें ये कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का ज्ञान है। तो व्यवहार के ज्ञान को एक सार्थक रूप देने का कार्य अगर किसी ने कहा है, किया है, तो वो कौन है? वॉटसन है। इस वजह से इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि कोई भी एक बालक है वो जिस तरीके के परिवेश में रहता है, जैसा उसको पर्यावरण वातावरण मिलता है, सॉरी, जिस प्रकार का उसको वातावरण मिलता है, हम उस प्रकार से उस बच्चे को वहां पे उस सांचे में ढाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बालक जो है वो पैदा ही हुआ एक साइंटिस्ट बन के, बालक पैदा ही हुआ एक शिक्षक बन के, नहीं, बालक मुझे दे दो, उस बालक को मैं वैसा बना सकता हूं जैसा कि मैं बनाना चाहता हूं। तो मैं उसको वैसा कैसे बनाऊंगा जैसा कि मैं उसको बनाना चाहता हूँ, ये केवल और केवल मेरे व्यवहारिक इन्फ्लुएंस से और उस बच्चे के व्यवहार के परिवर्तन से ही पॉसिबल हो सकता है। अगर ये व्यवहारिक प्रक्रियाएं हमारे बीच में नहीं होंगी तो हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी बालक है उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है और उसका व्यवहार, उसके व्यवहार से भी इन्फ्लुएंस हुआ जा सकता है और वो भी व्यवहारिक रूप से, व्यवहार से, किसी के भी व्यवहार से इन्फ्लुएंस हो सकता है और अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है। तो प्रश्न ये होता है, कई बार आ सकता है कि व्यवहार मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है, तो वो कौन होंगे? वो होंगे वॉटसन। ठीक है, अब जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद को मानते हैं, जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं व्यवहारवाद को, अगर मानने की बात करूं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, व्यवहारवाद को मानने वाले 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर अब तक सभी मनोवैज्ञानिक
बीसवीं शताब्दी से प्रारंभ, बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के अब तक के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहारवाद के रूप में लेके जाते हैं। अब जितने भी लोग इस व्यवहारवाद को जो है मनोविज्ञान कहते हैं, उनके लिए अगर मैं देखूं तो वंश परंपरा कोई मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? उनके लिए वातावरण, प्रकृति मायने रखती है। यानी कि वंश के हिसाब से अगर हम देखें, जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, जिसकी मनःस्थिति को हमें समझना है, जिसको पहचानना है, या जिसके व्यवहार में हमें एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है, उस व्यक्ति को अगर हम लोग देखें तो वो परिवर्तन या वो मनोविज्ञान, मनास्थिति अगर हम लोग देखें तो हम उसको वंश परंपरा से नहीं ला सकते हैं। हम उसको उसके वातावरण के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके अंदर निहित गुणों के अनुसार, उसके अंदर निहित कौशल के अनुसार, उसके समझने की शक्ति के अनुसार, इन सब चीजों से हम उसके अंदर परिवर्तन लाते हैं और उसको अपने अनुरूप तैयार करते हैं। तो ये आज की हमारी पूरी क्लास थी। आगे कल की क्लास में हम इसके आगे और पढ़ेंगे। अभी आप लोगों का समय हो रहा है तो एक क्विक रिवीजन मैं जो है वो आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ। यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ लिया। आगे कल हम कुछ और भी मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे तो आप लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कल ये फेज हमारा, जो टॉपिक जो हमारा चल रहा है इकाई का, ये खत्म होने के बाद हम कई प्रश्नों का उत्तर जो है वो खोजने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों का उत्तर हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो क्विक रिवीजन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो मनोविज्ञान को, उसके शाब्दिक अर्थों को समझने के लिए हमारे पास चार अवस्थाएं जो है मैंने आपको बताई। प्रथम अवस्था हमारी 16वीं शताब्दी, जिसमें हमारे पास तीन मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, प्लेटो, अरस्तु और रेने डिकार्ड। प्लेटो को अगर हम लोग लें, प्लेटो अरस्तु ये दोनों क्या हैं कि नेचर को, प्रकृति को जो है वो सर्वोपरि मानते हैं। रेने डिकार्ड जो है वो ज्ञान के लिए बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन ओवरऑल उस सदी के अगर जितने भी हमारे थिंकर्स हैं, जितने भी फिलोसोफर हैं, जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर हम उन सबका अध्ययन करने की कोशिश करें तो उन लोगों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा या आत्मा का ज्ञान कहा। लेकिन आत्मा अजर होती है, अमर होती है, लेकिन कितनी सुंदर होती है, कितनी बदसूरत होती है, ये हम देख ही नहीं सकते हैं। तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से आत्मा, मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ये परिभाषा क्या हुई, अमान्य हो गई। जब हम 17वीं शताब्दी में आते हैं, हमारी द्वितीय अवस्था में आते हैं, तो पोम्पोनॉजी नामक जो है मनोवैज्ञानिक जो कि इटली से थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। लेकिन अगेन, मन और मस्तिष्क कितनी दूरी से हमारे पास आते हैं, कितने सुंदर है, कितने बदसूरत है, हम उनको नहीं देख सकते हैं। इस वजह से ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में आते हैं तो 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, विलियम वुंड, जेम्स सल्ली, जेम्स कैटल, इन लोगों ने क्या किया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा या चेतना का ज्ञान कहा। लेकिन चेतना भी हम लोग उसको भी परिभाषित नहीं कर पाए, परिभाषा पूरी नहीं होने के कारण जो उन्होंने कहा था उनका कथन या उनकी परिभाषा भी क्या हुई, अमान्य हो गई। जब हम चौथी अवस्था में आते हैं तो चौथी अवस्था में जो 20वीं शती के आरंभ के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का ज्ञान कहना आरंभ कर दिया। मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान कहने वाले सर्वप्रथम जो मनोवैज्ञानिक थे वो वॉटसन थे।
इस वजह से उनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, जिनका बहुत सॉलिड स्टेटमेंट था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वैसा बना सकता हूँ जैसा कि मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो है आज की क्लास का मैंने निचोड़ भी बता दिया, एक क्विक रिवीजन भी हो गया, और हमने इसको डिटेल में भी पढ़ा कि मनोविज्ञान को उसके शाब्दिक अर्थ के रूप में हम किस तरीके से और बांट सकते हैं और बांट के पढ़ सकते हैं। कल हम आगे और भी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय बाय।